हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में और इसके अगले प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से मार्केट में फ्लो देखने को मिलेगा, कि मार्केट में अभी तक करेक्शन हो गया कि नहीं हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर लिया है। तो राइट नाउ 18,140 रुपीज पे कल एंट्री ट्रेड करी, और जो मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें कुछ सपोर्ट पॉइंट के बारे में बात किया था, और यहाँ पे देख सकते हैं उस सपोर्ट को मेंटेन करते हुए दिखिए जो लास्ट टाइम लो गई है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं 18,034 तक लो गई है, मतलब एक अच्छी खासी लो के साइड है। अब आप लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगा, आपको ये बात तो पता ही होगा निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी को होल्ड करती है, और टॉप 50 कंपनी के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ही अपना फ्लक्चुएशन दिखाती है मार्केट में। तो सबसे ज्यादा किसका होल्ड करती है, मतलब किसका स्टेक ज्यादा होल्ड करती है निफ्टी 50? तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा रिलायंस, HDFC, TCS, ये सारी कंपनी का, ये सब टॉप 50 कंपनीज में अच्छे खासे लेवल पे आती है, और ये सब सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करती है निफ्टी 50 में। और अब भी आप लोग को पता चला होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत आने लगे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को लेके बहुत सारी बात है, और रिलायंस की भी क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलायंस का चार्ट ओपन है, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है मार्केट में। यहाँ पे अगर बात करें निफ्टी 50 की फ्लक्चुएशन देखे तो निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी तेजी बनी थी, और फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिला है। तो निफ्टी 50 में कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये पूरी वीडियो निफ्टी 50 के प्रिडिक्शन पे है, और अगले दिन निफ्टी 50 मंडे को किस तरीके से भागने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी मैं 2-3 वीडियो और भी अपलोड करूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है निफ्टी 50 की लास्ट सपोर्ट पॉइंट हम लोग क्या बना के रखे। तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इतनी ज्यादा डाउन आ चुकी थी, पर निफ्टी 50 की अभी भी मैं बोलूंगा 18,100 तक आप लोग सपोर्ट क्रिएट करके रख सकते हैं, और ज्यादातर चांसेस है कि अब निफ्टी 50 में बहुत करेक्शन हो गया है, क्योंकि बहुत ऊपर से शेयर लगातार डाउन गई है। 5 डेज में देखे तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा डाउन जाते हुए दिख गई है मार्केट, और जिस तरीके से मार्केट में तेजी थी 1 मंथ में देख सकते हैं कहां पे मार्केट टच कर दी थी निफ्टी 50 ने। तो यहां पे देख सकते हैं इतनी ऊपर तक टच कर दी थी, अब मार्केट में गिरावट हुआ है, पर अब डरने की बात नहीं है, करेक्शन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, अब मार्केट भागेगी। अब रीजन क्या है इसके पीछे भागने का, तो ये बताता हूं। यहां पे क्वार्टरली रिजल्ट मेन चीज, सबसे मेन फैक्टर मैटर करती है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट को लेके अच्छी खासी रिलायंस भी परफॉर्म करते हुए दिखी, फिर बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर की अभी आने वाली है जल्दी ही क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये सब को लेके निफ्टी 50 कहीं ना कहीं आपको फिर से तेजी बनाते हुए दिखेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। और बहुत कोई ये सब चीज के बारे में नहीं होता है, निफ्टी 50 में ये होता है, ये सपोर्ट है, ये उतने में सबका दिमाग खराब हो जाता है कि ये सपोर्ट है, किस पे लगाना है पैसा, ये क्लियरली बताओ कि इतना सपोर्ट रख सकते हैं, इतना सपोर्ट पे सेल करना है, क्या होगा नेक्स्ट मार्केट में। जो रियल प्रिडिक्शन है, मतलब जिस तरीके से बात है, मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को। क्वार्टरली रिजल्ट आ रही है, बहुत सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। ये क्लियर सा बात है, आप लोग नॉर्मल भी असम्पशन कर सकते हैं इस चीज के बारे में, और जो मैं बता रहा हूं ऐसे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए लगातार वीडियो तो अपलोड होते ही रहती है, तो आप देख भी सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करने वाली है। आगे के मार्केट में बात करें तो मार्केट में करेक्शन, जो बीच में करेक्शन की बात चल रही थी, अब टाटा मोटर्स की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स में क्या था फ्लक्चुएशन। जस्ट वेट, टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स गिरावट कल बनाते हुए दिखी है, इनफैक्ट 3.43% तक गिरावट बनाते हुए दिखी है, 490 तक नीचे आ गई। पर क्या इसका मतलब टाटा मोटर्स डूब जाएगी? नहीं, बहुत कोई डर जाते हैं टाटा मोटर्स को लेके, क्योंकि बहुत कोई इसी पॉइंट पे पैसा लगाते हैं या इस पॉइंट पे पैसा लगाएंगे और डर जाते हैं कि और डाउन ना आ जाए, इस चीज को लेके बहुत लोग पैनिक होते हैं। तो पैनिक मत होइए गाइस, ये और भी ऊपर जाएगी, जैसे टाटा मोटर्स ऊपर जाएगी, करेक्शन टाइम होता है, करेक्शन पीरियड होता है, अगर आपको अचानक एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन
भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में उतने टाइम में ये इतने ऊपर नहीं जा सकती थी, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं करेक्शन दिखने को मिल जाएगा। बहुत सारी निफ्टी 50 में, मतलब बहुत सारी इंडेक्स में कंपनी सारी आप देख सकते हैं जिसकी सेल्स एक भी नहीं है। ये सब ऑपरेटर का बहुत बड़ा गेम होता है, सेल्स एक भी नहीं है पर वो शेयर्स आपको वन मंथ में डबल करते हुए पैसा दिख रही है। ये सब ऑपरेटर का बहुत बड़ा चाल होता है जिसमें अच्छा खासा आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए जेन्युइन इंफॉर्मेशन पे जाइए, जो समझ सकते उतने ही समझिए, पर हाँ नॉलेज जितना ज्यादा हो उसको कैप्चर करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। याद से प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन। और निफ्टी 50 अभी आपको चांसेस सपोर्ट अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिखेगी, 18,100 तक सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।